श्री नैनादेव विधानसभा के विधायक रामलाल ठाकुर ने शुक्रवार के दिन उपमंडल कार्यालय स्वरघाट में ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के साथ विकास के मुद्दे को लेकर समीक्षा बैठक आयोजन किया। विधायक रामलाल ठाकुर ने बैठक के बाद मीडिया कर्मियों से रूबरू होते हुए जानकारी में बताया कि बैठक का मुख्य उद्देश्य था कि जो इस बार भारी बारिश ने विधानसभा क्षेत्र में श्री नैना देवी में जो तबाही मचाई थी उसको लेकर आज समीक्षा की जानी थी, लेकिन बैठक में कुछ अधिकारी मौजूद नहीं हुए। उसके पीछे क्या कारण रहा होगा ये आपने आप में सवाल पैदा करता है। गौरतलब है कि ऐसी बैठकों का आयोजन विधानसभा में हर 6 माह बाद किया जाता है, जिसमें क्षेत्र की विधायक को संबंधित क्षेत्र के विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक करके चल रहे विकास कार्यों और समस्याओं पर बैठक में चर्चा और प्रगति रिपोर्ट तलब की जाती है। लेकिन आज शुक्रवार के दिन उपमंडल कार्यालय स्वरघाट में रखी गई समीक्षा बैठक के दौरान कुछ अधिकारी मौजूद नहीं हुए, जिसके चलते अब यह समीक्षा बैठक 2 हफ्ते बाद फिर से आयोजित की जाएगी। हर साल 2 मीटिंगें जो है वो अपने चुनाव क्षेत्र की ब्लॉक वाइज में करता हूँ। ये हमारी दूसरी मीटिंग थी और इस मीटिंग में जो विधायक निधि का पैसा है या जो हमारे बजटेड जो स्कीमें हैं उनका है या कोई हरिजन कंपोनेंट का है, बरसात में नुकसान हुआ है उसका जायज़ा लेना है। और साथ में मैं कहना चाहूँगा कि क्योंकि ये सारे काम जो है जैसे विधायक की प्राथमिकताएँ स्कीमों पे, चाहे वो पीने के पानी का है, चाहे कोई सिंचाई की स्कीम है या हमारे जो है वो सड़कों का और भवनों का है, तो उसके बारे में ये हमने मीटिंग रखी थी अधिकारियों से जानने के लिए कि कहाँ पे कितना पैसा दिया है, विधायक निधि से कितना पैसा गया है, वो पैसा लगा या नहीं लगा। मुझे खुशी है कि इस जो हमारा सब डिवीज़न है इसमें जो विधायक निधि का पैसा दिया है उसमें अभी जो पीछे मैंने पैसा दिया वो 10-12 केसेस हैं जो इसके काम लगे हुए हैं, बाकी जहाँ जहाँ पैसा दिया था वो सारे काम पूरे हुए, लोगों को समर्पित कर दिए गए हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि वो यहाँ पे जिन पंचायतों को, जिन युवक मंडलों को या महिला मंडलों को जो पैसा दिया है वो उन्होंने अच्छे ढंग से यूज़ किया है, इसकी मैं उनको मैं मुबारकबाद भी देना चाहूँगा। और निवेदन ये है कि जो पैसा जहाँ पे भी विधायक निधि का पैसा जाता है वो पैसा कोई किसी की जेब का पैसा नहीं है, सरकार पैसा देती है विधायक को अपने चुनाव क्षेत्र में पैसा देने के लिए, जो है वो अटेंड करने को पैसा आता है, वो ईमानदारी से ये पैसा जो है इसका प्रयोग होना चाहिए। आज की मीटिंग में हमारे जो है यहाँ पे कुछ ब्लॉक के इश्यूज थे, पर मुझे इस बात की हैरानी है कि आज हमारे PWD और IPH के जो XCN हैं वो यहाँ पे नहीं आ पाए। क्यों नहीं आ पाए वो जाने, लेकिन यहाँ पे हमारे IPH के SDO पहुँचे, उनको भी कोई सूचना नहीं दी गई थी वहाँ से ऑफिस से, पर मैंने डेप्टी कमिश्नर के माध्यम से सबको मीटिंग जो रखी थी वो डेप्टी कमिश्नर को कह के और उनके आदेश वहाँ से अधिकारियों को आए थे। एक बात की हैरानी है कि अगर मान लो इन कामों में अधिकारी भी उदासीनता का रवैया अख्तियार करें तो उससे क्या होगा कि जो लोगों की मदद हो सकती है वो मदद सही तरीके से नहीं हो पाती। मैं इसलिए मैं उनसे भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि कृपया करके इन मीटिंग्स को सीरियस लें। अब मुझे क्या है, मुझे 15 दिन के बाद फिर आना पड़ेगा, नहीं तो मैं 6 महीने में एक मीटिंग करके आज क्योंकि PWD के और IPH के, बिजली बोर्ड के, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी यहाँ पे नहीं आ पाए जिनको आना चाहिए था, इसलिए इस बैठक को मैं दोबारा इस मीटिंग का दोबारा रिव्यू करने के लिए मैं मीटिंग रखूँगा, ये जानने के लिए कि जब तक अगला सेशन हमारा विंटर सेशन होगा धर्मशाला में उससे पहले पहले सारी स्कीमों का जो है वो आंकलन करके कहाँ पे क्या होना चाहिए इसके बारे में जो है वो दोबारा से मीटिंग होगा। एक बात एन स्टार के लिए बिलासपुर से सुरेंद्र जमवाल की रिपोर्ट।